हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दिव्यांग सर्टिफिकेट, यानी कि आप दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए गए और आपका 40% या फिर इससे ज़्यादा का बन गया तो बहुत खुशखबरी वाली बात है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गए हैं और फ्रेंड्स देखिए, दिव्यांग और विकलांग में कोई अंतर नहीं होता, बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हो। हैंडीकैप्ड, दिव्यांग, विकलांग एक ही बात है। मोदी सरकार आई तो उन्होंने विकलांग का नाम दिव्यांग रख दिया, तो फ्रेंड्स इतना सा अंतर हो गया और कुछ भी नहीं है, बात सारी एक ही है। चाहे हम विकलांग कह दें या दिव्यांग कह दें, एक ही बात होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए फ्रेंड्स, आप गए दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए और फ्रेंड्स डॉक्टर ने बना दिया 39%, 38% या फिर 20% या फिर 25%, यानी कि 40% से आपका कम बना दिया। उस कंडीशन में तो आप दिव्यांग नहीं कहे जाएंगे फ्रेंड्स, और आपको किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा, तो फ्रेंड्स ये श्योर है। इसके बाद में फ्रेंड्स, यदि आपको दिव्यांग की कैटेगरी में आना है तो कम से कम आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वो 40% या फिर इससे ज़्यादा का होना चाहिए। यानी कि अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% या फिर इससे ज़्यादा की है तो ही फ्रेंड्स आप दिव्यांग माने जाएंगे, अदरवाइज नहीं माने जाते हैं। और जब माने जाएंगे तभी तो आपकी योजनाओं का लाभ मिलेगा, अदरवाइज आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। योजनाएँ जैसे फ्रेंड्स दिव्यांग पेंशन हो गई, आप गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन हो गया, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स काफी अलग अलग चीजें होती हैं बहुत सारे, जैसे किराया, यानी कि जो आपका जो बसों में किराया होता है उसके लिए भी 40% कम से कम, यानी कि एटलीस्ट 40% तो आपकी विकलांगता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आज की वीडियो में क्या क्या बात करने वाले हो, सबसे पहले इस पर डिस्कस कर लीजिए। उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको इस चैनल पर मिलती रहती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले हम आज की वीडियो में क्या क्या बात करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे दिव्यांग सर्टिफिकेट बनता कैसे है। दूसरा फ्रेंड्स, यदि आप बनवाने गए और आपको 40% नहीं बना तो उस कंडीशन में क्या करना है आपको, और आप जाएं और आपका वो 40% ना बनाएं तो आप क्या करें, ये बात करने वाले आज की वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि विकलांग प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको किसी भी जनसेवा केंद्र पर जाना है और कहना है मेरे UDID कार्ड के लिए, यानी कि ऑनलाइन विकलांग प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए। वो कर देंगे। करने के बाद में फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट क्या क्या लेगा आपको, अपना आधार कार्ड, आपको अपना फोटो लेके जाना है, बस इतना काफी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली उसका प्रिंट आउट मिलेगा, प्रिंट आउट लेकर उसमें आधार कार्ड लगा लें। आधार कार्ड लगवाने उनके लिए बता रहा हूँ जो पहली बार बनवाने जा रहे हैं, जिनका रिन्यू होना है उनके लिए क्या करना है, उनको तो सिर्फ क्या कहना है, रिन्यू कर दीजिए, तो वो रिन्यू करके प्रिंट दे देंगे। और प्रिंट में आपको अपना आधार कार्ड के साथ साथ आपको एक वहाँ से फॉर्म मिलता है, वो अभी मैं बताने वाला हूँ। इससे पहले समझिए आधार कार्ड लगाएं उसमें, आधार कार्ड लगाने के बाद में और फ्रेंड्स उस पर लगाएं अपना जो पुराना वाला जो आपका हैंडीकैप सर्टिफिकेट था वो, ठीक है। तो जो पहली बार बनवाने गए उनको भी यही करना है, उनको क्या करना है उसका प्रिंट आउट के साथ अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी और फोटोग्राफ, इतना। अब देखिए फोटोग्राफ में जो आपकी डिसेबिलिटी है, मान लीजिए आप पैर से विकलांग हैं, तो आपका ऐसा फोटो पासपोर्ट साइज का ही फोटो होना चाहिए, छोटा सा, लेकिन फ्रेंड्स उसमें आपका वो डिसेबल पार्ट दिखना चाहिए, ये मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है, तो इतना होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद में बात करूँ आपको जाना कहाँ है, आपको जाना है अपने जिले के CMO ऑफिस में, अपने जिले के CMO ऑफिस में, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग मेरे पास कमेंट करते हैं। एक तो करीब 15-16 साल का बच्चा था, उसने मुझे कमेंट किया था, उसने पूछा था क्या सर मैं अंडर 18 हूँ तो क्या मैं बनवा सकता हूँ। यार बिल्कुल बनवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको अपने जिले के CMO ऑफिस में जाना है, किसी दूसरे जिले में आप नहीं बनवा सकते, क्योंकि जो हैंडीकैप सर्टिफिकेट होता है वो आपके होम टाउन से ही बनता है, यानी कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से बनेगा, जहाँ के जिस डिस्ट्रिक्ट का आपका आधार कार्ड है वहीं से बनेगा, यानी कि आधार कार्ड पर जो भी एड्रेस है, जिस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस है उसी डिस्ट्रिक्ट से बनता है, ओके। तो ये कंफर्म हो गई होगी बात, आपको जाना है CMO ऑफिस। वहाँ पर फ्रेंड्स हफ्ते में एक दिन होता है, एक निश्चित डे होता है, कोई भी हर जिले में अलग अलग डे होता है, किसी मंडे को, किसी में ट्यूसडे को, है ना, ये डे होता है, तो वहाँ पर जाएँ, उस दिन बनता है। जाने के बाद वहाँ से एक आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर लें, फिल करने के बाद आपको अपना एक फ़ोटो लगाना है, वो एप्लीकेशन यानी कि वो प्रार्थना पत्र उसी के साथ लगा लें जो आप प्रिंट आउट लेके आए थे, सारे को स्टैपल कर लें, स्टैपल करने के बाद वहाँ पे सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद डॉक्टर्स की टीम 10 से 11 12 बजे के आसपास दोपहर में आती है फ्री होकर, जब आती है तो फ्रेंड्स आपकी जाँच की जाएगी, जब जाँच की जाएगी और लगता है, देखिए उनको लगता है कि आपका 40% बन जाएगा तो बना देंगे। कभी कभी क्या होता है, डिसेबिलिटी आपकी 40% या फिर इससे ज़्यादा की होती है, लेकिन नहीं किसी कारणवश वो नहीं बना पाते या नहीं बनाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो कंडीशन ये है वो आपसे मुंह पे मना कर दे कि आपका 40% नहीं बन पाएगा, उस कंडीशन में आपको क्या करना है,
समझिए इस बात को। सबसे पहले तो आपको डायरेक्ट ये कहना है कि सर मुझे किसी दूसरे जिले के लिए आप रेफर कर दीजिए। क्या कहना है आपको? किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए रेफर कर दीजिए। तो फ्रेंड जब वो आपको रेफर कर देंगे तो आप दूसरे जिले में जाएं, दूसरे जिले में जाकर जांच करा लें। अगर वहां भी आपको ये बताते हैं कि आपका 40% नहीं बन सकता तो फ्रेंड्स आपका नहीं बन सकता, ओके। क्योंकि फ्रेंड्स दो जगह की जब जांच सेम आएगी तो इसका मतलब क्या है कि वो जानबूझ के आपका 40% नहीं बना रहे थे, रियल में आपकी डिसेबिलिटी उतनी नहीं है फ्रेंड्स। उसके बाद में फ्रेंड्स आपका जैसे भी जो बात बन जाती है उसके बारे में जिक्र नहीं करूंगा। चलिए आगे बात करें, अगर आपका बन जाता है, वो बना देते हैं 40 से कम, है ना, 40% से आपका सर्टिफिकेट कम बनाते हैं, उस कंडीशन में आपको क्या करना है? देखिए वो तो बन जाएगा, ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, उसके बाद जो 38% बन गया उस तरीके का आपका वो बना देंगे। लेकिन आपको क्या करना है, तुरंत एक एफिडेविट लगाना है। एफिडेविट जानते हो 10 रुपये का एक स्टाम्प आता है, किसी भी कचहरी पर तहसील पर चले जाए वहाँ बनवा लें, और आपको कहना है कि जो भी जाँच हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं है, हम दोबारा जाँच करवाना चाहते हैं। फ्रेंड्स वो जाके सबमिट कर दें, उसके बाद में फ्रेंड्स आपको रेफर कर दिया जाएगा। रेफर करने के बाद में फ्रेंड्स आप दूसरे जिले में कहीं भी जाँच करवा लें, हो सकता है वो अपने जिले में करवा लें, वो उनके ऊपर डिपेंड है। दोबारा आपकी जाँच होगी, जाँच होने के बाद में, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप एफिडेविट लगाएंगे तो थोड़ा इम्पैक्ट अलग होता है, वो अलग तरीके से जाँच करेंगे, यानी कि जो आपकी जाँच होगी फिर रियल जाँच होगी, सही जाँच हो जाएगी। कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो जांच सही नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब हो सकता है कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जितनी डिसेबिलिटी है उतनी वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। अगर हो जाता है ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको यही काम करना है, आपको एक एफिडेविट बनवाना है, बनवाने के बाद सबमिट कर देना है, और फ्रेंड आपकी दोबारा जांच होगी, जांच होने के बाद आप अगर आप डिसेबल हैं तो आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन जाएगा। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो भी अपडेट होती है मैं आपके सामने लेकर आता रहता हूं। फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलता हूं नए फ्रेश इन्फॉर्मेशन नए फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।